सर, सबसे पहले तो इस कैलेंडर लॉन्च के बारे में जानना चाहूँगा, आप यहाँ पे लॉन्च करना है, क्या कहना चाहेंगे? आपने हर साल देखा होगा कि कुछ ना कुछ कैलेंडर आते हैं लड़कों के, लड़कियों के, लड़कियों के बीच पे, लड़कों के जिम खानों में बॉडीज दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, एग्जीबिशन दिखा रहे हैं। पर जब ये कैलेंडर मैंने शार्वी चतुर्वेदी का देखा तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि इसके अंदर बहुत एक्सप्रेशन है। हर एक पेज में एक नया हीरो है, नया एक्टर है, और उस नए एक्टर की एक कहानी है। वो हर जो एक पेज अगर आप ध्यान से देखिए तो उसके अंदर एक स्टोरी है। तो इसलिए मैं इतना इम्प्रेस हुआ और मैंने उसे कहा कि तुमको इस डेफिनेटली मीडिया को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और इसको प्रोफेशन तुम्हें लेना चाहिए। और जबकि एक लड़की फोटोग्राफर बने तो ये कितनी खूबसूरत बात है। हम देखते हैं कि मैं बहुत खुश होता हूँ जब लड़की को मैं देखता हूँ पायलट बनी हुई है, या वो टैक्सी चला रही है, या वो चीज़ें कर रही हैं जो कि नॉर्मली लड़कियाँ नहीं करती हैं। अभी मुझे खुशी है कि आजकल लड़कियाँ भी फोटोग्राफर बन गई हैं और सामने आ रही हैं और ब्रेव फोटोग्राफर। ऐसी शार्वी चतुर्वेदी बहुत जो हैं क्रिएटिव लड़की हैं, मेरे साथ काम भी किया है इन्होंने, डब्बू रत्नानी के साथ भी काम किया है, और मुझे लगता है कि इनकी सफलता ज़्यादा दूर नहीं है। जिन कैलेंडर की बात करें तो सारे जो मॉडल्स हैं वो अपकमिंग स्टार्स हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, इन्होंने अपकमिंग स्टार्स को चुना है ना कि बड़े चेहरे को? क्योंकि अपकमिंग स्टार के साथ कैलेंडर बनाएंगे तभी तो स्टार्स आएंगे और तभी ये स्टार बनेगी। वो एक नई लड़की बड़े स्टार्स के पास जाएगी तो उसको क्या भाव देंगे जी? तो उसने ये सोचा कि अल्टीमेटली मेरे को आर्टिस्ट चाहिए, और इसीलिए उसने टाइटल भी ऐसा रखा कि लाइफ इन डॉट। ये वो अपकमिंग स्टार है जहाँ का स्टार्ट मार्क है, अब इसके ऊपर वो चढ़ेंगे, अभी ये स्टार बनेंगे, सुपरस्टार बनेंगे। तो इसने सबसे पहले इनको कैप्चर कर लिया, विच वॉज ए वेरी गुड आइडिया, वेरी क्रिएटिव आइडिया। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि नए स्टार्स के साथ काम करना चाहिए, तो आपकी जो फिल्म है, अभी फिल्मों की बात करते हैं, तो आप भी नए स्टार्स के साथ काम करना चाहेंगे? मैंने हमेशा ही नए स्टार के साथ काम किया, आपको पता होगा, या तो न्यू कमर के साथ काम किया है या उन स्टार के साथ काम किया जो अपने आप को न्यू कमर समझते हैं। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप हमारे साथ शेयर करना? अभी तक कुछ शेयर नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। देखो सच ए ब्यूटीफुल फोटोग्राफर। सी हमली, अगर वो नए लोग हैं, मैं भी एक नई फोटोग्राफर हूँ जो अपना यू नो आई एम स्टिल अपना काम में बिल्ड कर रही हूँ, आगे बढ़ी हूँ। सिमिलरली ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं एंड स्टिल उन्होंने अपनी जगह बनाई है एंड लोग इनको पहचानते भी हैं एंड बहुत सारी पिक्चर है जो हम पसंद भी करते हैं एंड वर्क ऑफ आर्ट। एक्चुअली जब मैंने ये शुरू किया था तो एज अ वर्क ऑफ आर्ट ही शुरू किया था एंड इन लेटर स्टेजेस आई फेल्ट लाइक समथिंग लाइक दिस जो है लोगों को देखना चाहिए एंड क्योंकि हमारे देश में दिस माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस बट हम आर्ट को इतना महत्व नहीं देते अपनी लाइफ में एंड आई थिंक ये सब नए जनरेशन के लिए एक मैसेज है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ट्राई इट, एक्सपेरिमेंट, इनोवेट एंड आप किसी ना किसी तरीके से रास्ता ढूंढ लेंगे टू स्प्रेड इट आउट, टेक इट आउट एंड लोग जैसे इसको देखें एंड अप्रिशिएट करें। तो दैट्स मेरा ये पहला स्टेप है टू सेलिब्रेट आर्ट, टू सेलिब्रेट लाइफ एंड टू सेलिब्रेट आर्टिस्ट लाइक दीज। एक्चुअली एक ऑनगोइंग प्रोसेस था वो, मैंने सोचा था कि मैं कुछ नए एक्टर्स के साथ कुछ करना चाहती हूँ, फिर मैंने थीम बनाई, तो थीम बनाते बनाते लाइफ इन अ डॉट आया, फिर वो धीरे धीरे ऑनगोइंग प्रोसेस से बनता चला जाए। फिर मैं बैठी एक महीना, मैंने स्टोरीज लिखी इनके अराउंड, मैं पिक्चर में क्या दिखाना चाहती हूँ, क्या क्या प्रॉप्स इंक्लूड करना चाहती हूँ, मैं उनको कैसे मोटिवेट करना चाहती हूँ कि यू नो एक तरीके से डायरेक्टर का काम किया मैंने पूरा। डायरेक्टर की बात की, सुभाष भाई जी ने जो है काफ़ी तारीफ की आपकी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ही इज़ अ लेजेंड, हम उनको शोमैन तो एनी वेज बुलाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन उनको शोमैन बुलाता है। मेरे लिए वो ही इज़ मोर लाइक अ मेंटोर एंड फादर फिगर।
जब भी मुझे अगर ब्लॉक्स आए हैं या मुझे क्वेश्चंस हैं वो हमेशा अवेलेबल है कि मैं उनसे पूछ सकूँ प्रोफेशनली कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या मुझसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं या मुझसे कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया है टू मेक फोटोग्राफी माई पैशन एंड टू डू समथिंग एक्साइटिंग इन फोटोग्राफी। ये तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके अलावा हम आपको कौन से प्रोजेक्ट के साथ देख पाएंगे? वो आप देखते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।